साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीएम मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैकेनिक डीजल ट्रेड के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्मी बेस्ड जो क्वेश्चन है, उनकी क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हम 20 वीडियो इस पे कर चुके हैं, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। तो ये जो सीरीज है पूरी, आप लोग अगर इसको पूरा देख लेते हैं तो जो आपके सीबीटी एग्जाम होते हैं आईटीआई के, उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो पैटर्न रहा है वो ये रहा है कि सारे जो क्वेश्चन हैं इन्हीं में से आते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में से आते हैं। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा कर आप लोगों को कराते हैं। तो पूरा जो वीडियो है वो जरूर देखें, और जितने इस सीरीज की दूसरी वीडियो वो भी जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले हम क्या करते हैं, क्विज के क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो क्विज ये क्वेश्चन है पिछली वीडियो से लिए गए हैं, जिसने पिछली वीडियो देखी होगी वो आसानी से इसका जवाब दे सकता है, और इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना ताकि मुझे पता लग जाए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज्ड फिन ऑन द सिलेंडर हेड, यानी कि किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में सिलेंडर हेड पर फिन्स का उपयोग किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कौन सा वो कूलिंग सिस्टम है? ऑप्शन आपके पास है ऑयल कूलिंग, वाटर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग या एयर कूलिंग। तो इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्विज का, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, जो चित्र दिया गया है, पिक्चर है, द एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। तो जो ये पिक्चर है, यहां आप देख सकते हो कि एक्स है, आपने इस पार्ट का नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, वाटर फिल्टर या फ्यूल फिल्टर। तो ये थे 2 क्वेश्चन क्विज के, इनके जवाब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 401, विच पार्ट ऑफ क्रैंकशाफ्ट फ्लो ऑयल टू क्रैंक पिन, क्रैंकशाफ्ट का कौन सा हिस्सा क्रैंक पिन से प्रभावित होता है, प्रवाहित मतलब होता है, यानी इसमें पूछा गया है कि जो क्रैंकशाफ्ट में तेल है क्रैंक पिन तक कैसे जाता है। तो वो जाता है, आपके पास ऑप्शन है क्रैंक वेब के द्वारा, क्रैंक सेफ्ट थ्रस्ट बीयरिंग के द्वारा, क्रैंक शाफ्ट की मेन जनरल के द्वारा या क्रैंक कूलिंग। तो आपने याद रखना है जो ऑयल फ्लो करता है क्रैंक पिन तक क्रैंक शाफ्ट के थ्रू, वो करता है क्रैंक सेफ्ट मेन जनरल के द्वारा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, सी पे टिक करेंगे, क्रैंक शाफ्ट मेन जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 402, विच डिवाइस सक्स ऑयल फ्रॉम द ऑयल सम्प, ऑयल सम्प में से कौन सा उपकरण तेल को चूसता है, तेल को खींचता है। ऑप्शन आपके पास है स्ट्रेनर, सक्शन पाइप, पंप या फिल्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप घरों में पानी को खींचने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा इंजन होता है उसमें भी ऑयल को सक करने के लिए, खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पंप का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 403, वेयर द मेटल फिन्स आर प्रोवाइडेड इन द एयर कूल्ड इंजन, जो इंजन आपके एयर कूल्ड होते हैं, ये जो इंजन है मेनली आपके स्कूटर में, आपकी बाइक में, यानी कि छोटे जो व्हीकल होते हैं वहां यूज किए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, हमारे एयर कूल्ड होते हैं, और एयर कूल्ड के लिए हम क्या करते हैं, फिन्स यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि जो मेटल फिन्स होती हैं वो कहाँ लगी होती है, कहाँ हम प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन आपके पास है सिलेंडर एंड हेड पर, एग्जॉस्ट पाइप पर, वाल्व डोर पर या इनटेक मैनिफोल्ड पर। तो आप सभी ने फिन देखे होंगे अपने बाइक के इंजन में, देख सकते हो जो फिन होती है वो बाहर की साइड होती है, सिलेंडर के हेड पर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, सिलेंडर एंड हेड पर। ये आपको समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर भी दी है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये जो फिन है यही लगी हुई है सिलेंडर हेड पे। कैसे कूलिंग करती है ये, जब एयर इसके थ्रू इसके अंदर जाती है, पास करती है, तो जो गर्मी थी उस गर्मी को वो एयर अपने साथ ले जाती है इन फिन के रास्ते होते हुए। तो जो मेटल फिन है कहां लगी होती है, मेटल के जो सिलेंडर है और उसके हेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द वाटर सर्कुलेशन इज ऑब्टेन्ड इन द थर्मोसाइपन सिस्टम, जो थर्मोसाइपन प्रणाली होती है उसमें जो पानी का संचलन होता है, पानी का जो सर्कुलेशन होता है वो किस आधार पर होता है, कैसे किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है ए बाय फोर्स्ड फीड ऑफ वाटर, यानी कि आप कोई बाहर से कोई पंप लगा दे, कोई फोर्स लगा दे उसके द्वारा।
बी ऑप्शन है बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर, जो डेंसिटी का डिफरेंस है गर्म पानी का और ठंडे पानी का उसके द्वारा संचालन होता है, या बाय द ग्रेविटी ऑफ वाटर या पानी का जो गुरुत्वाकर्षण उसके द्वारा होता है, और डी ऑप्शन है बाय द वाटर जैकेट, पानी की जैकेट के द्वारा। तो जो थर्मोसाइपन है ये नेचुरल सिस्टम होता है, इसमें हम कोई मोटर वगैरह या कोई फोर्स सिस्टम यूज नहीं करते। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो डेंसिटी होती है हॉट वाटर की एंड कोल्ड वाटर की, गर्म पानी की और ठंडे पानी की, उनके बीच का जो अंतर है उसी के आधार पर ये सर्कुलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो इसका किस पे टिक कर देंगे, बी पे टिक कर देंगे। जो डेंसिटी होती है वो कोल्ड वाटर की ज्यादा होती है और हॉट वाटर की कम होती है। तो कोल्ड वाटर क्या हुआ, हमारा डेंसर होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है, डेंस होता है, और जो हमारा हॉट वाटर है वो कम डेंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 405, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर लेवल फॉल्स डाउन इन द थर्मोसाइफन सिस्टम। क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर थर्मोसाइफन सिस्टम में जो वाटर लेवल फॉल कर जाए, उसका जो जल स्तर है वो नीचे गिर जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ए ऑप्शन है सर्कुलेशन कंटिन्यू, जो सर्कुलेशन चल रहा था वाटर का वो ऐसे ही जारी रहेगा। बी है सर्कुलेशन लो, जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा। सी है सर्कुलेशन डिसकंटिन्यू, यानी कि जो प्री संचरण था वो बंद हो जाएगा। और डी है सर्कुलेशन हाई, जो प्री संचरण है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये याद रखना, जब भी वाटर लेवल कम हो जाएगा हमारे साइफन सिस्टम में तो जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, सर्कुलेशन ही रुक जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, सी है, सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 406, हाउ द वाटर पंप गेट ड्राइव इन द पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। क्वेश्चन ये है कि जो हमारा पंप संचलन शीतलन प्रणाली होती है उसमें पानी के पंप को जो ड्राइव है वो कैसे मिलती है, यानी उसको कैसे चलाया जाता है। ऑप्शन आपके पास है बेल्ट के द्वारा, बाय गियर गियर के द्वारा, बाय चेन चेन के द्वारा, या कपलिंग के द्वारा। तो जो वाटर पंप होता है इंजन से वो बेल्ट के द्वारा जुड़ा होता है, जो इंजन की शाफ्ट होती है और जो आपका पंप है वो दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेल्ट यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बाय बेल्ट। क्वेश्चन है 407, विच कंडीशन थर्मोस्टेट वाल्व ओपन। थर्मोस्टेट वाल्व किस स्थिति में खुलती है, एट लो टेम्परेचर ऑफ द इंजन, इंजन के कम तापमान पर, हाई टेम्परेचर ऑफ द इंजन, इंजन के उच्च तापमान पर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द इंजन, इंजन का जो ऑपरेटिंग तापमान उस पर, या फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द इंजन, इंजन के बर्फीली तापमान पर। देखो थर्मोस्टेट वाल्व होती है हमारी कोई चीज की ऑटोमेटिक बंद करने के लिए, ऑटोमेटिक ओपन करने के लिए हम थर्मोस्टेट वाल्व करते हैं, और इसको एक फिक्स टेम्परेचर पे हम सेट कर देते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा जिसके घर में गीजर है उसका टेम्परेचर हम सेट कर देते हैं मान लिया 70 डिग्री सेल्सियस। जब आपकी ये थर्मोस्टेट वाल्व को महसूस हो जाएगा कि जो आपका वाटर है 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुका है, तो वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, उस सप्लाई को क्या कर देगा, बिजली की सप्लाई कट कर देगा। इसी प्रकार जैसे आप फ्रिज में भी देख सकते हो, फ्रिज में आप जब टेम्परेचर को सेट कर देते हो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद, वो थर्मोस्टेट वाल्व क्या बिजली की जो कंजप्शन है वो क्या कर देती है, कम कर देती है, और कई बार टक देती है, हमारे आवाज आती है फ्रिज के अंदर से। उसी प्रकार से ये थर्मोस्टेट वाल्व यूज होती है हमारे इंजन में। तो किस पे ओपन होती है, वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर, इंजन का जो भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमने सेट कर रखा होगा उसी पे वो ओपन होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को वीडियो के जो क्वेश्चन है अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें, अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मुझे एक हौसला मिले नई नई वीडियो बनाने का। ये जरूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव पॉइंट है वो ना बताएं, कोई नेगेटिव पॉइंट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई गलती है तो वो भी बताएं, ताकि उसमें भी इंप्रूवमेंट किया जा सके, लेकिन कमेंट और लाइक जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 408, विच इज रिलेटेड टू रेडिएटर रिमूविंग प्रोसीजर। रेडिएटर को हटाने की प्रक्रिया किससे संबंधित है, यानी कि आपको रेडिएटर को रिमूव करना है, हटाना है, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सी प्रक्रिया उसमें लाई जाती है। सबसे पहले ए ऑप्शन है टॉप अप वाटर इन द रेडिएटर, रेडिएटर में पानी को ऊपर तक भरेंगे, नहीं। डिस्कनेक्ट द ऑल कनेक्शन विद रेडिएटर, यस। जब भी आपको रेडिएटर को रिमूव करना है इंजन से
तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस रेडिएटर के जितने भी कनेक्शन हैं, इनपुट आउटपुट जहां भी, उन सबको क्या कर दोगे, हटा दोगे, डिसकनेक्ट कर दोगे जितने भी कनेक्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 409, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्लीनिंग मेथड, स्पाइक की विधि का नाम बताएं। जो आपको डायग्राम दिया गया है ये आपको ऐसे ही एग्जाम में मिलेगा, आपने बताना है कि इसमें ये जो स्पाइक की विधि है वो उसका नाम क्या है। तो आप यहां देख सकते हो ये हमारा इंजन है, यहाँ दो पाइप दिखाई दे रहे होंगे, यहां से एयर इसमें से हम एंटर करा रहे हैं और यहां से वाटर एंटर करा रहे हैं, और ये हमारा रेडिएटर है। तो ऑप्शन आपके पास है प्रेशर फ्लैशिंग सिस्टम, रिवर्स फ्लैशिंग सिस्टम, इंजन कूलिंग सिस्टम या वाटर ड्रेनिंग सिस्टम। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस एयर के प्रेशर का यूज करके हम यहां से उसके जो वाटर है उसका उसको निकाल देते हैं, क्लीन कर देते हैं पूरी पाइप को। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 410, विच मेथड इज यूज्ड इन रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग क्लीनिंग। अभी अभी हमने रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग क्लीनिंग का एक पिक्चर देखी थी, ये थी हमारी पिक्चर। तो अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच मेथड इज यूज फ्लशिंग वाटर विद द एयर गन प्रेशर, यही आंसर भी हो जाएगा। कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, अभी मैंने बताया भी था, इसमें देख सकते हो यहाँ पर हम जो प्रेशराइज्ड एयर है उसकी मदद से इसको क्लीन करते हैं, स्पाई करते हैं। तो फ्लशिंग वाटर विद द एयर गन प्रेशर, एयर गन प्रेशर की मदद से हम वाटर को फ्लश कर देते हैं, बाहर को निकाल देते हैं और जिससे उसकी स्पाई हो जाती है। तो बी और सी ऑप्शन, ये जो डी है देखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 411, वेयर इज द ऑयल कूलर फिटेड इन द इंजन। बहुत आसान है, जो एयर जो ऑयल कूलर है वो कहाँ फिट होता है। ऑप्शन आपके पास इंजन के ब्लॉक में, सिलेंडर के हेड पर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर या ऑयल सम्प पे। तो जो आपका ऑयल कूलर होता है आपको वो कहाँ सेट करना होता है, इंजन ब्लॉक में वो लगा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 412, वट इज द मेन पर्पज ऑफ द लुब्रिकेंट, स्नेह का मुख्य उद्देश्य क्या है, लुब्रिकेशन हम क्यों यूज करते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मिनिमाइज द फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करने के लिए। बिल्कुल, जो लुब्रिकेशन हम करते हैं दो मूविंग पार्ट के बीच में, जब हम ग्रीस डालते हैं या ऑयल डालते हैं तो उसकी वजह से उन दोनों जो पार्ट का क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है और उनके अंदर जो वियर एंड टियर यानी जो घिसावट है वो कम से कम होती है। तो जो लुब्रिकेंट का पर्पस है वो क्या है, मिनिमाइज द फ्रिक्शन, घर्षण को कम करना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इंक्रीज द फ्रिक्शन, बिल्कुल भी नहीं, इंक्रीज द वियरनेस नहीं, जब हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं तो जो वियरनेस है वो तो कम हो जाती है। इंक्रीज द नॉइस, शोर बढ़ाए नहीं, शोर भी जब अगर आपके दो पार्ट सुखे घिसते हैं एक दूसरे से तो उसमें से आवाज ज्यादा आती है, जब हम लुब्रिकेशन उसकी करते हैं लुब्रिकेंट यूज करते हैं तो आवाज भी कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 413, विच इज रिलेटेड टू लुब्रिकेशन सिस्टम, स्नेहन प्रणाली किससे संबंधित है, यानी कि लुब्रिकेशन सिस्टम इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित है। फर्स्ट है प्रोवाइड अ कुशनिंग इफेक्ट टू ऑयल फिल्टर, तेल फिल्टर करने के लिए कुशनिंग प्रभाव, जी नहीं, इससे कोई संबंध ही नहीं है ऑयल फिल्टर से लुब्रिकेशन सिस्टम का। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कुछ डिस्कस भी किया था, उसी से आपको आंसर का अंदाजा भी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, इंक्रीज द वियर एंड टियर इन द मूविंग पार्ट, नहीं, जब हम लुब्रिकेशन यूज करते हैं तो जो हमारा वियर टियर है कम होता है, इंक्रीज नहीं होता, ये भी गलत है। इंक्रीज द ब्लो बाय गैसेज बाय प्रोवाइडिंग एन ऑयल, इससे भी कोई संबंध ही नहीं है। मिनिमाइज द वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में भी यही तो बात हमने कही थी, जब लुब्रिकेशन यूज करते हैं तो जो उसका वियर एंड टियर है, जो उसकी घिसावट है दो पार्टों की, जो घिसना है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 414, विच मेथड यूज टू डी स्केल द वाटर पैसेज इन द इंजन ब्लॉक, इंजन ब्लॉक में पानी के मार्ग को नीचे लाने के लिए। एक्चुअल में हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, डी स्केल का मतलब होता है, कई बार जब पानी आप गर्म करते हो तो पानी गर्म होने के बाद उसमें स्पेद स्पेद जो पपड़ियां जम जाती है उसको स्केल बोलते हैं। तो इंजन में भी ऐसा ही होता है, तो इंजन के ब्लॉक में उसको जो स्केलिंग है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम डी स्केल बोलते हैं। तो यहां पूछा गया कौन सा मेथड यूज करते हैं हम डी स्केल के लिए। ऑप्शन आपके पास है बाय इंजेक्टिंग वाटर सोलवेंट, पानी में विलायक को इंजेक्ट करके, बाय इंजेक्टिंग ऑयल सोलवेंट,
बाय इंजेक्टिंग फ्रेश एयर बाय क्लीनिंग टूल। जी नहीं, ये जो लास्ट की तीन ऑप्शन है ये गलत है। हमें डिस्किल करने के लिए हम क्या करते हैं, इंजेक्टिंग वाटर सोलवेंट, वाटर में कुछ एक केमिकल सोलवेंट डाल देते हैं जिसकी वजह से जो स्केलिंग की वजह से जो पुपड़िया जमी है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाय इंजेक्टिंग वाटर सोलवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू चेक द डैमेज्ड रेडिएटर कोर ट्यूब। अगर आपके रेडिएटर की कोर ट्यूब डैमेज्ड है तो कैसे चेक करोगे। चार आपके पास ऑप्शन है, चेक विजुअली, चेक विद स्पेशल टूल, चेक विद कंप्यूटर, चेक विद द बोर डायल गेज। बहुत आसान क्वेश्चन है। रेडिएटर तो इंजन के बाहर लगा होता है, अगर उसकी ट्यूब में कोई डैमेज है, कोई टूटी हुई है, कोई मुड़ी हुई है, तो उसको हम तो विजुअली ही चेक कर सकते हैं, सिर्फ देख के ही पता लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, चेक विजुअली। तो ए पे हम टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन नहीं होंगी, कोई स्पेशल टूल कंप्यूटर या डायल गेज की जरूरत इसके लिए नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 416, वेयर इज द टर्बो चार्जर माउंटेड। जो टर्बो चार्जर होता है वो कहां लगाया जाता है। देखो टर्बो चार्जर जो लगता है वो लगता है हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर। और क्योंकि टर्बो चार्जर जो गैस यूज करता है, जब हमारे इंजन में से जो गर्म गैसेज हैं, फ्लू गैसेज हैं, वो बाहर निकलती हैं, अगर टर्बो चार्जर ना यूज करें तो वो सारी गैसेज क्या है, एनवायरमेंट में चले जाएंगी ऐसे गैसे। लेकिन टर्बो चार्जर की मदद से हम उन गैसों का कुछ और उपयोग करते हैं इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो हमेशा याद रखना, जो टर्बो चार्जर वो कहाँ लगा होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर लगा होता है, जहां से गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 417, नेम द टाइप ऑफ मफलर। देखो मफलर क्या होता है, साइलेंसर, आप आम भाषा में समझ सकते हो, साइलेंसर हम जिसको बोलते हैं, जहां से हमारी जो गैसेज हैं वो बाहर निकलती हैं। तो ये जो टाइप, अलग अलग टाइप के मफलर होते हैं, साइलेंसर होते हैं, इसका जो साइलेंसर का नाम है वो क्या है। ऑप्शन आपके पास है, रिवर्स फ्लो मफलर, स्ट्रेट थ्रो मफलर, बफल टाइप या इलेक्ट्रॉनिक मफलर। तो देखो यहाँ पर जब ये एस की शेप बनाता है तो ये कौन सा होता है हमारा, रिवर्स फ्लो मफलर होता है। इसके लिए हम किस पर टिक करेंगे, ए पर टिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा। मफलर और साइलेंसर का मेन काम यही होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेज बाहर निकलती हैं उनमें उसको, उसकी जो आवाज है उसको भी कम करना, और कई बार इंजन बैक प्रेशर दे देता है, उस बैक प्रेशर को भी ब्लॉक करना और उसको रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मफलर। ये जो टाइप है ये कौन सा मफलर है, पिछला हमने देखा था रिवर्स फ्लो मफलर था, और ये है हमारा स्ट्रेट थ्रो मफलर। तो बी पे टिक करें, देख सकते हो आप जो गैसेज हैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं, सीधी जा रही हैं, तो इसको स्ट्रेट थ्रो मफलर बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेम द टाइप ऑफ मफलर। रिवर्स फ्लो आपने देख लिया, स्ट्रेट थ्रो देख लिया, और ये जो मफलर है जिसमें हमारी गैसेज ऐसे जाती हैं वो होता है हमारा बैफल टाइप मफलर। बैफल टाइप मफलर में ये नॉइस को बहुत ज्यादा रिड्यूस करता है, लेकिन बैक प्रेशर पे इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स जो है ये हमारा, यहाँ एक पार्ट का दिया गया है अलग अलग, तो इसमें से जो ये वाली यूनिट है इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है, टर्बाइन यूनिट, कंप्रेसर यूनिट, एग्जॉस्टर यूनिट या चार्जर यूनिट। तो ये हमारा जो डायग्राम है वो टर्बो चार्जर का डायग्राम है, और जो ये साइड लगी हुई है एक्स, ये साइड ये हमारा टर्बाइन यूनिट है। क्या ये टर्बाइन यूनिट, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ए पे टिक करेंगे। इधर वाला जो पार्ट है ये हमारा कंप्रेसर यूनिट है, ये भी आपने याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज के वीडियो के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि निम्मी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। सारा जो क्वेश्चन पेपर इन्हीं में से आता है, इसके अलावा जो दूसरे तरह के एग्जाम होते हैं उनमें भी इनके क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी है, और क्विज के जो आंसर थे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सभी के कमेंट में जरूर से जरूर पढ़ता हूं। और जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन उसको ऑन कर ले। दूसरे जो साथी हैं, आपके बैचमेट हैं, दोस्त हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो।